अपनी YouTube चैनल रागासाटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का क्या है त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, इससे पहले मैंने दोस्तों आपको कई सब्जेक्ट किया है त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस बताए हैं, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, हिंदी इंग्लिश और भी सब्जेक्ट हैं। ओके, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि आपका आधा है अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, अध्याय 3 विद्युत धारा। ओके दोस्तों, अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ओके, मैंने भी इन दो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा और भी मैं आगे कंप्लीट कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, ये आपका अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय और लास्ट आपका आता है अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो टोटल आपके कितने चैप्टर है, टोटल आपके दोस्तों 6 चैप्टर हैं। आप देख सकते हैं अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, ये आपके आने हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इनको आपको टिक लगा के कहने तैयारी करना है। ओके, त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो यही आपका प्रोजेक्ट का रहने वाला, मतलब प्रैक्टिकल रहने वाला, तो ये तो आपका स्कूल वाले ही बताएंगे, तो आपका ये रहने वाला है। तो यही है दोस्तों कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अनुराग साठी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह ज्वाइन हो जाएगा, जिससे अनुराग साठी क्लासेस आपकी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से सहायता कर समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।